आज हम एक ऐसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका कुछ साल पहले तक यूं तो अस्तित्व भी नहीं था, पर आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जैसे सैमसंग और एप्पल को भी कड़ी टक्कर दे रही है। हम बात कर रहे हैं वनप्लस कंपनी के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, वनप्लस एक चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कम कीमत पर शानदार फीचर्स वाले मोबाइल बनाने के लिए जानी जाती है। इसकी शुरुआत पीटर लाउ और कार्ल पे ने करी थी। मोबाइल में कमाल के फीचर्स के चलते ये कंपनी आज दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी धाक जमा चुकी है और मोबाइल सेगमेंट में अपना एक अलग ही नाम बना लिया है। और आज दुनिया के लगभग 34 अलग अलग देशों में इनके फोन्स बेचे जाते हैं और दुनिया के हर कोने में आज इनकी कंपनी बहुत पॉपुलर है। 16 दिसंबर 2013 को पीट लो और कार्ल पे ने एक नए स्टार्टअप की शुरुआत करी जिसको उन्होंने नाम दिया वनप्लस। इस कंपनी का मकसद था कम कीमतों पर लोगों को बेहतर से बेहतर स्मार्टफोन मुहैया कराना। हालांकि ये काम बहुत कठिन था पर नामुमकिन नहीं, और इसी सोच के साथ कंपनी के दोनों फाउंडर्स ने इसकी शुरुआत करी। दोनों फाउंडर्स को लगता था कि मोबाइल इंडस्ट्री में उस समय बहुत सी खामियां हैं, पर इनमें सबसे बड़ी जो खामी थी वो ये थी कि प्रीमियम स्मार्टफोन्स की बहुत ज्यादा कीमत होती है। हर कोई महंगे स्मार्टफोन्स नहीं खरीद सकता। ऐसे में अच्छे फीचर्स वाले मोबाइल अगर कम कीमतों में लोगों को मुहैया कराए जाएं तो उनकी सेल्स काफी बढ़ सकती हैं। ये बात दोनों फाउंडर्स को भलीभांति पता थी और यहीं वे समझ गए कि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं तो इस क्षेत्र में आपके लिए काफी स्कोप है। कंपनी की शुरुआत में इसमें सिर्फ 5 लोग काम किया करते थे और इनमें से ज्यादातर लोग एप्पल के मोबाइल्स यूज किया करते थे। ये सभी यूं तो एंड्रॉइड से जुड़ी कंपनीज में काम करते थे पर कभी भी उनके मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके पीछे वजह थी कि एप्पल के मोबाइल्स परफॉर्मेंस के मामले में उस समय काफी अच्छे होते थे, जबकि एंड्रॉइड के मोबाइल एप्पल की तुलना में भले ही बहुत सस्ते हों पर फीचर्स और वर्किंग के मामले में काफी पीछे थे। बस इसी के साथ वनप्लस के फाउंडर समझ गए कि अगर उनको सफल होना है तो उन्हें एक ऐसा फोन बनाना होगा जिसमें शानदार फीचर्स हों जो एप्पल को भी टक्कर दे सके और कीमत एप्पल की तुलना में काफी कम हो। इसी के साथ कंपनी ने 23 अप्रैल 2014 को लॉन्च किया अपना पहला वनप्लस मोबाइल जिसका नाम था वनप्लस वन। ये मोबाइल बहुत ही कम समय में काफी लोकप्रिय हो गया था। इसकी सफलता और लोकप्रियता की मुख्य वजह थी इसके फीचर्स। हालांकि ये फोन बाकी जगहों पर अप्रैल 2014 में ही रिलीज हो गया था, पर इसको इंडिया में रिलीज होने में कई और महीने लग गए और दिसंबर 2014 में इसको इंडिया में लॉन्च करा गया। इस वक्त तक वनप्लस के फाउंडर्स इंडिया को वनप्लस के लिए इतना बड़ा मार्केट प्लेस नहीं समझते थे, पर इंडिया में लॉन्च के साथ ही ये फोन लोगों को खूब पसंद आया। 2014 में वनप्लस के कुल 15 लाख मोबाइल्स बेचे गए। इंडिया में इसकी कमाल की डिमांड को देखते हुए वनप्लस के फाउंडर्स समझ गए कि इंडिया उनकी कंपनी के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। इसके बाद उन्होंने इंडियन कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए और फोन्स बनाने शुरू कर दिए। 2014 में वनप्लस कंपनी इंडिया में माइक्रोमैक्स के साथ एक विवाद में फंस गई जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने वनप्लस मोबाइल्स पर बैन लगा दिया, पर बाद में केस उनके हित में हो गया जब दिसंबर 21 2014 को ये बैन हटा दिया गया। और इस बार तो वनप्लस पहले से भी ज्यादा तैयारी के साथ लौटा था। इसके बाद वनप्लस के एक से बढ़कर एक कई स्मार्टफोन्स आए जो लोगों को खूब पसंद आए और महज कुछ सालों के अंदर ही वनप्लस एक छोटे स्टार्टअप से बढ़कर जाना माना मोबाइल ब्रांड बन चुका था। वनप्लस 3, वनप्लस 3T, वनप्लस 5, वनप्लस 5T, वनप्लस 6 और वनप्लस 6T, ये सारे मोबाइल्स इंडिया में काफी पॉपुलर रहे। दोस्तों, जैसे कि फिल्मों के बारे में कहते हैं ना कि अगर फिल्म अच्छी हो तो लोग उसका खुद प्रचार करते हैं, ठीक इसी तरह वनप्लस के मोबाइल भी काफी अच्छे थे और इसी वजह से लोग अपने दोस्तों को और परिवार वालों को हमेशा ये फोन सजेस्ट करते थे। केवल वर्ड ऑफ माउथ से इनका इतना ज्यादा प्रमोशन हो गया था कि इन्होंने इंडिया की मोबाइल मार्केट प्लेस में अपना एक अलग नाम बना लिया, जिसके चलते ये बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला ब्रांड बनता जा रहा है। 2019 आते आते इस ब्रांड ने इंडिया में सैमसंग और एप्पल जैसे दिग्गज मैन्युफैक्चरर्स को कई क्षेत्रों में पीछे कर दिया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जिस तेजी से ये ब्रांड आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं जब ये मोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। 14 मई 2019 को वनप्लस के दो और नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, वनप्लस 7 और वनप्लस 7 प्रो, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके पिछले स्मार्टफोन्स की तरह ये स्मार्टफोन्स भी खूब बिकेंगे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन लाएंगे। दोस्तों, अगर आप वनप्लस का फोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप वनप्लस 7 के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें ये भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं
तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।